हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 5, व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पारंपरिक व्यवसाय और ई व्यवसाय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। फर्स्ट थोड़ा सा इनका मीनिंग रिवाइज कर लें। ट्रेडिशनल बिजनेस वो बिज़नेस होता है जो कि पुराने समय से चले आ रहा है और अभी तक भी चल रहा है, जिसमें दोनों पार्टीज़ जो है फिज़िकली प्रेजेंट होके बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करती हैं। एंड ई बिज़नेस या ई कॉमर्स, ये वो कॉमर्स की टेक्निक है जिसमें इंटरनेट की हेल्प से बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म किया जाता है। ओके, सो पॉइंट वाइज हम उनके डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है व्यवसाय या फॉर्मेशन। ट्रेडिशनल बिजनेस का फॉर्मेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज इसके एस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, जबकि ई कॉमर्स का जो फॉर्मेशन है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस काफ़ी ईजी होता है। सेकेंड पॉइंट है स्थापना की लागत यानी कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में बिज़नेस को सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, जबकि अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो बहुत ही लो कॉस्ट में बिज़नेस सेटअप हो जाता है। थर्ड पॉइंट में या टाइम रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश। ट्रेडिशनल बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, यानी बिज़नेस को स्टार्ट करना, उसको एस्टैब्लिश करना, इट रिक्वायर्स सो मच टाइम। एंड ई कॉमर्स में बहुत ही कम टाइम रिक्वायर्ड होता है बिकॉज आपको जो वर्क है, मेजर जो वर्क इंटरनेट के थ्रू होता है, ठीक है, तो इसमें काफ़ी कम टाइम कंज्यूम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक उपस्थिति या पर्सनल टच। ट्रेडिशनल बिजनेस में जो पर्सनल टच है वो रिक्वायर्ड रहता है, यानी बिज़नेस के ओनर का या उसके एजेंट का फिज़िकली प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट है, कि ई कॉमर्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है, यानी फिज़िकल प्रेजेंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं रहता। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है हमारा संचालन लागत, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ट्रेडिशनल बिजनेस की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है बिकॉज एक तो गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है लार्ज स्केल पे सो दैट डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई कर पाएँ। दूसरी चीज़ एक प्लेस की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे शॉप, गोडाउन की, एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस अकॉर्डिंग कॉस्ट जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें ज़्यादा होती है, जबकि ई बिज़नेस में फिज़िकल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है एंड एक्सपेंसेस भी कम रहते हैं, ऐसे में ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इसमें कम रहती है। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट है व्यक्तिगत शासकीय संरक्षण। ट्रेडिशनल बिजनेस गवर्नमेंट का पैट्रोनेज जो है वो कम मिलता है, जबकि ई कॉमर्स में गवर्नमेंट पेट्रोनेज ज़्यादा मिलता है बिकॉज गवर्नमेंट जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जो न्यू मेथड्स हैं को प्रमोट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इसके बाद इंटरनेशनल पहुंच यानी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच। इंटरनेशनल रीच ट्रेडिशनल बिजनेस में पॉसिबल है बट बहुत ही लिमिटेड, ठीक है। एंड ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ये ग्लोबल रीच रखता है, यानी कि नेशनल बाउंड्रीज़ के बियॉन्ड भी इजीली बिजनेस को स्प्रेड किया जा सकता है। जोखिम पर्सनल ट्रेडिंग जो है, यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो है उसमें रिस्क बहुत ही कम पाया जाता है बिकॉज पर्सनल टच होता है उसमें, फिज़िकल प्रेजेंस के साथ में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऐसे में रिस्क कम रहती है, जबकि जो ई कॉमर्स है उसमें फिज़िकल प्रेजेंस के बिना
और इवन डिस्टेंस होने के बावजूद ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इसके बाद श्रम या लेबर या नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड। ट्रेडिशनल बिजनेस में इफ़िशियंट इफ़ेक्टिव लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड, यानी ऐसे पर्सन्स जिनको थोड़ा बहुत परचेजिंग सेलिंग का या स्टोर को मेंटेन करने का, गोडाउन को मेंटेन करने का, बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का थोड़ा बहुत आइडिया होता है, तो उतने रिक्वायरमेंट रहती है कि पर्सन भी हो अगर या सेमी स्किल्ड भी हो, थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो वर्क का, तो वो आराम से ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है। बट ई कॉमर्स में कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब चीज़ों का प्रॉपर एंड इफ़िशियंट नॉलेज ज़रूरी है। सो टेक्निकल इफ़िशियंट एंड स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड इन ई कॉमर्स। ओके, तो ये तो थे डिफरेंसेस। सो आया होगा। थैंक यू।